नमस्कार दर्शकों, इस वक्त मैं हूँ गढ़वा किले के सामने और गढ़वा किला हमारे पीछे आप देख सकते हैं और ये है गढ़वा किला का देखभाल करने वाले यहाँ के सिक्योरिटी। और आप ये जान लीजिए कि ये जो गढ़वा किला है यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है, 1750 ईस्वी में बनवाया गया था। तो चलिए, मैं हूँ आपके साथ राज रावत और आज हम आपको दिखाएंगे कि क्या है हकीकत गढ़वा किला का और क्या है सच्चाई, किसने बनवाया था गढ़वा किला को। तो चलिए, ये देख सकते हैं कि इन लोगों की मदद से ही आपको यहाँ का दर्शन कराएंगे, इस किले के अंदर का दर्शन कराएंगे, यहाँ का नज़ारा किस तरह का है गढ़वा किले का, उस नज़ारे को आपको दिखाएंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो दर्शकों, ये है गढ़वा किले के अंदर, जहाँ पर आपको बावली मिलेगा, जहाँ पर सब कुछ सारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, वहाँ का ये है मेन गेट, इसी गेट से आप प्रवेश कर सकते हैं। तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं। तो दर्शकों, नज़ारा कुछ इस तरह का है गढ़वा किले के अंदर का, देख सकते हैं आप, इधर देख सकते हैं। और ये जो दीवार बनाया गया है ताकि लोग, बाहर के लोग अचानक से बिना बताए हुए, जिनकी कोई जानकारी नहीं है, मतलब एक तरह से आप ये जान लीजिए पहले जो डाकू हुआ करते थे, चोर हुआ करते थे, वो क्षति ना पहुंचा पाए, इस वजह से इस दीवार को बनवाया गया था। और ये दीवार आप बहुत दूर तक देख सकते हैं, पीछे तक आप दीवार देख सकते हैं, और यहाँ तो दीवार की ऊंचाई कुछ ज़्यादा ही करा दी गई है, क्योंकि ये पीछे का एरिया है किले का, तो इसको जानबूझकर ज़्यादा ऊंचा बनवाया गया ताकि इसको कोई डांट ना सके। तो आइए पूछते हैं इन लोगों से यहाँ के इतिहास के बारे में, फिर उसके बाद हम आपको घुमाते हैं। तो सबसे पहले आ जाइए। तो ये हैं यहाँ के सीनियर सिक्योरिटी मैन, तो इनसे पूछते हैं। तो आपका नाम सबसे पहले बताइए। विजय कुमार कुशवाहा। तो आप हमको यहाँ के बारे में ये बताइए कि जो ये बनवाया गया है यहाँ के, ये तो हम जानते हैं कि राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था, ठीक है, लेकिन राजा विक्रमादित्य ने क्यों बनवाया था इसे? देखिए, वो तो एक मतलब ऐतिहासिक राजा थे, वो जो है उनका मतलब यही राजा जो रजवार होते हैं, ये किला उनका बनवाना एक तरह से जो है मतलब अधिकार है, ये सब जो है ऐतिहासिक स्थल को निर्माण करना या करवाना उन्हीं के जो है उनका वो है, यही सब जो है ताकि आने वाली पीढ़ियों को बता सके कि हमने इतना काम किया है, हमने अपने शासन काल में इतना बनवाया था, इतने इतने किलों का निर्माण करवाया था, इतना हमारे पास औजारे थी, मूर्तियाँ थी ना कुछ। जैसे ये देखिए बावलिया है जो है, ये उसी समय की है, उन्होंने बनवाए थे, राजा स्नान करके मंदिर में जाके सामने पूजा करते थे। और ये जो है रानी साहिबा का है। अच्छा, ये रानी साहिबा का था जो ये रानी साहिबा का है, दिखाने का प्रयास करिए, और पास में आ जाइए, और पास में आ जाइए, ये रानी साहिबा जी, ये रानी साहिबा का है। तो ये देख सकते हैं दर्शकों कि ये रानी साहिबा का है, इनका कहना ये है कि ये जो बावली है रानी साहिबा का है, और ये जो बगल वाला है बाएं तरफ का है वो राजा साहब का था ना, राजा विक्रमादित्य जी का था। कभी नहीं सर, इतना हमेशा रहेगा, कभी नहीं, ना तो भरता भी कभी नहीं, इसमें इक्वालिटी है दोनों बावलियों में। तो हो सकता है कि जो बारिश का पानी आता हो, नीचे पत्थर है, भर जाता हो, इस वजह से। ये तो सर नहीं, ये पानी भरा हुआ नहीं है सर, ये पानी नीचे से गरता हुआ पानी, मान लो नल का पानी, कुएं का पानी जैसा है ये, अभी एकदम गर्म पानी मिलेगा आपको। तो पानी गर्म है? हाँ हाँ, एकदम आज भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम इस पानी को देखेंगे कि क्या वाकई में पानी गर्म है। और ये बता रहे हैं कि इस पानी का खासियत ये है कि यहाँ का जो पानी है कभी सूखता नहीं, और ये पानी ठंडी में भी, मतलब सर्दियों में भी गर्म रहता है। ठंडा रहता है, गर्मियों में ठंड मिलेगा, गर्मी में ठंड रहता है, सर्दी में गर्म रहता है पानी, यही। और आपका क्या, और एक और हमारे साथ सिक्योरिटी मैन, इनसे पूछते हैं, आपका क्या नाम है? दिलीप कुमार सर। दिलीप कुमार, जो ये बता रहे हैं कि एकदम वाकई में इसी तरह? हाँ सही, ये सब बता रहे हैं जो सही है, इसका पानी गर्म ही रहा है, और बाहर इसका पानी निकल भी रहा है दो तरफ से, वो गुरिज के पास है और बाउंड्री के बाहर भी पानी इसका निकलता है, 24 घंटे निकलता है इसका पानी।
देखिए कि यही खासियत है यहाँ का। और आप हमारे इधर देखिए, हमारे दाहिने तरफ देखिए, ये जो दिख रहा है आपका, आपको बड़ा भव्य न पत्थर का घर नुमा, ये मंदिर है, ये मंदिर है, यहीं पर राजा विक्रमादित्य पूजा किया करते थे ना। और 1750 ईस्वी में इसको बनवाया गया था। जो अभिलेख यहाँ पर लिखा हुआ है, जो बोर्ड लगा हुआ है, उसके सोर्स से हम आपको बता रहे हैं। क्या बताना चाहते हैं आप? ये सर, ये रास्ता भी है कमरे में जाने के लिए, बावली से अंदर अंदर ही रास्ता बना हुआ है कमरे में जाने के लिए। देख सकते हैं कि ये बावली के अंदर जाने के लिए बढ़िया, एक अच्छे से, जैसे आज के लोग बाथरूम बनवाते हैं, टॉयलेट बनवाते हैं, उस तरह पहले भी उसी तरह से सिस्टम हुआ करता था। जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो अपने लिए और अपने रानियों के लिए कुछ इस तरह से स्नानागार का निर्माण करवाते थे, कुछ इस तरह से। देखिए पत्थरों से बना हुआ है, वो पीछे से आते थे राजा जी, और नीचे आते हुए यहीं पर बैठकर तैरते हुए हो सकता है नहा स्नान करते थे, और फिर उसके बाद इधर से ये देखिए, इधर से वो चले जाते थे, कुछ इस तरह से होता था, ये आप जान लीजिए। तो और कुछ जानकारी यहाँ का? और वो मूर्ति का संग्रहालय उधर भी बना हुआ है, वहाँ पे मूर्ति सब इकट्ठा करके रखी गई है। कैमरामैन से गुजारिश करेंगे, उधर दिखाइए। वो मूर्ति का संग्रहालय है, वहाँ पे सभी लगी हैं, गौतम बुद्ध का, कृष्ण का और भगवान मत्स्य का, सभी का, और दसों अवतार की वहाँ पे मूर्तियाँ विद्यमान है। अच्छा, तो चलिए पहले यहाँ का पानी चेक कर लेते हैं कि क्या इस वक्त तो ठंड का माहौल है, और पानी ठंडा है। जहाँ का भी देखो आप, अगर नहर का देखेंगे तो पानी ठंडा रहेगा, तालाब का भी देखेंगे तो पानी ठंडा रहेगा। क्या यहाँ का पानी गर्म है? तो चलिए देख लेते हैं, आइए। हम लोग बावली के नीचे आ चुके हैं, बावली के पास आ चुके हैं, और ये पानी भरा हुआ है बावली में, और यहाँ का सफाई हमको लगता है शायद होता है कि नहीं? होता है, सफाई होता है। अब काई है, जम जाती है बरसात में जैसे है, तो पानी अभी हाल ही में भी, अब फिर भी काई हटा देंगे तो पानी एकदम फ्रेश रहेगा। देखिए मैं हटाया हूँ, पानी साफ दिख रहा है, पानी तो साफ है। तो देखें कि क्या वाकई में पानी गर्म है या ठंडा है, सबसे बड़ी सच्चाई यही है। जैसे इनके मुताबिक बताया जा रहा है कि पानी हमेशा, मतलब ठंडियों में हमेशा गर्म रहता है और गर्मियों में ठंडा रहता है। आइए कैमरामैन, और नीचे आ जाइए आप। ये बात तो सही है, क्योंकि यहाँ जो पानी है ना, ठंडा है ज़्यादा ना ही ज़्यादा गर्म है, मतलब नॉर्मल में है पानी। अभी आप नाले का, तालाब का, जो नहर है वहाँ का पानी आप देखेंगे तो एकदम ठंडा रहता है, लेकिन यहाँ का पानी नॉर्मल में है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये झील में बना हुआ है, पानी निकलता रहता है झील से और बाहर निकलता है, तो इसके लिए वो गर्म का पानी जब आता है तो गर्म पानी आता है नीचे का, था इसके लिए ये गर्म थोड़ा नॉर्मल रहता है। इधर से आते थे मतलब ये तो रानी का बावली है ना, ये रानी का बावली है, राजा जी के जो पत्नी हुआ करती थी, जो रानी उनकी हुआ करती थी, उनकी बावली है, और राजा जी का बावली बगल में है। तो रानी इधर से आती थी, उधर से आती थी और इधर से स्नान करके चली जाती थी। तो देखिए कुछ इसी तरह से पहले के ज़माने में भी हुआ करता था, आपको दिखेगा नज़ारा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि मूर्तियाँ किस तरह की हैं, क्या क्या रखी हुई है यहाँ पर, आइए आ जाइए आप। हाँ, चल रहे हैं, आइए आप भी आइए, चलू। तो दर्शकों ये देख सकते हैं, ये जो घर है, ये जो बना है, बनवाया गया था पत्थरों से, इसका निर्माण करवाया गया था। ये स्पेशली विशेष तौर पर जो सैनिक हुआ करते थे, जो
लड़ाइयों में जाते थे, युद्धों में जाते थे, उनके लिए बनवाया गया था और वो यहीं पर रहते थे, देख रेख करते थे, कोई अगल बगल से आ ना पाए, कोई प्रवेश ना कर पाए, रातों तक पहरा देते रहते थे। सही बोल रहा हूँ मैं? रातों तक पहरा देते थे और देखते थे कि बाहर से आदमी जो आता उनको दिखाई देता है, अब बाहर वाला उनको नहीं देख पाता था क्योंकि ऐसा ही बना है, होल ये बना हुआ है, सीधा जाके फिर तिरछा टाइप के बना हुआ है। अच्छा, आइए अंदर देख लिया जाए। चलिए चलिए आप। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अंधेरा है, अंधेरा है, और इसका जिस तरह से निर्माण करवाया गया था उस वक्त, पूरी तरह से साजो, मतलब इसकी खूबसूरती को ध्यान में रखकर निर्माण करवाया गया था और ये ताकि खूबसूरत लगे। देखिए कि डिजाइनिंग बढ़िया बनवाया गया था, डिजाइनिंग का पूरा ध्यान रखा गया था। आ जाइए, तो यहीं से राजा जी मतलब यहीं से सैनिक पूरा पहरा देते थे। हाँ, ऊपर भी रहते थे सैनिक उनका, इनका नीचे उपर। हाँ ऊपर। और ये जो छह मतलब जो ये जो होल है ना, जो जगह छोड़ा गया है, तो ये किस लिए? ये जैसे एक इसमें तो मतलब ढका हुआ है, ये दूर का, इसमें दूर तक दिखता था, ये जो ये था ये पास का था, यहाँ से बाहर तक बाहर तक काफी दूर तक दिखाई देता था। अच्छा, ऊपर वाला बाहर तक दिखता था, इसमें एकदम पास ही का था ये, हाँ देखने के लिए। हाँ, अच्छा, देखने के लिए अंदर सैनिक पूरा उनको देखते, कौन आदमी आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कर रहा है इधर किले के आसपास। अच्छा, ये हुआ मतलब कोई आसपास आ रहा है, ये सैनिक पूरी तरह से देखते थे। और आइए दिखाते हैं, ये छेद देखिए, इसमें जो छेद है इसमें वाकई में एकदम सही वैसे ही दिख रहा है। वाकई में देखिए, आप ध्यान से देखिए, जो छेद है यहाँ से बाहर का नज़ारा दिख रहा है। और ये पहले के जो राजा महाराजा थे अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनवाया करते थे। ये इधर से ही देख लीजिए, आइए इधर से देखिए, ये और पास से दिखा दीजिए, यहाँ से बाहर का पूरा नज़ारा दिखेगा, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कुछ इस तरह का हुआ करता था। इधर भी देखिए जो है, हाँ एक में डबल डबल है, आप एक से दो देख सकते हैं। हाँ, देखिए वाकई में सच्चाई कुछ कुछ इस तरह की थी। एक है और बाहर से डबल होल है, डबल होल है ना। देखिए, तो चलिए और देखते हैं, क्योंकि ये आप जान लीजिए दर्शकों कि यहाँ के जो सिक्योरिटी मैन हैं, क्या नाम है आपने बताया, क्या दिलीप कुमार जी हैं, ये मास्क लगाए हुए हैं। आप अपना एक बार चेहरा दिखा दीजिए। ये दिलीप कुमार जी हैं, धन्यवाद दिलीप का, क्योंकि ये लोग हमारे लिए जो कर रहे हैं, जिस तरह से हमारा सहयोग कर रहे हैं आप तक जानकारी पहुँचाने का, ये काबिले तारीफ है। और ये सिक्योरिटी मैन के साथ साथ यहाँ पर जिस तरह से लोग आते हैं उनको जानकारी देते हैं, ये काबिले तारीफ है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ये। इनका आपका क्या नाम है? विजय कुमार कुशवाहा। ये विजय कुमार कुशवाहा जी हैं, ये यहाँ पर सीनियर सिक्योरिटी मैन है, सीनियर सिक्योरिटी मैन है। और इनका इनका जो यहाँ के बारे में ये जो जानते हैं, ये जो बताए हमको, इन्हीं के माध्यम से हम आप तक जानकारी पहुंचा पा रहे हैं। अगर ये ना बताए तो हम लोगों को क्या पता यहाँ के बारे में, क्योंकि ये लोग यहाँ पर जब से काम कर रहे हैं, जो जानते हैं वो बता रहे हैं, तभी तो हम आप तक जानकारी पहुंचा पा रहे हैं। तो चलिए और जगह पर देख लेते हैं। ये छत है, छत नुमा जो बना है, उस ऊपर जा सकते हैं? आइए 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 आप लोग। कुछ इसी तरह का यहाँ पर सच्चाई आप देख सकते हैं। तो चलिए और जगह पर देखते हैं। वो उसमें का कमरा दिखा सकते हैं, वो खाली है।
तो दर्शकों देख सकते हैं कि ये है मूर्ति संग्रहालय और ये जो गेट है जबरदस्त मजबूत लोहे से बनवाया गया था उस वक्त ताकि ताकि यहाँ पर जो मूर्तियाँ रखी गई हैं इनको क्षति कोई ना पहुँचा पाए। अब एक तरह से इसकी सुरक्षा के लिए मजबूत गेट बनवाया गया था ताकि कोई एक बार चाहे तो भी तोड़ ना सके। और अंदर देखिए मूर्तियाँ रखी हुई हैं, गौतम बुद्ध जी हैं और मतलब ये आप देख सकते हैं कि उस वक्त जो 1750 ईस्वी में जब बनवाया गया था उस वक्त जितनी भी मूर्तियाँ थी वो सब यहाँ पर रखी हुई हैं। और बाद में कुछ मूर्तियाँ बाद में खुदाई के बाद प्राप्त हुई ना, तो उनको भी यहाँ पर रखवा दिया गया। बता पाएंगे कि खुदाई बाद प्राप्त हुई थी कि क्या? नहीं नहीं, खुदाई के बाद भी। रिखियन का है और यहाँ का? और रिखियन का है, रिखियन वहाँ पर जो ना, तो यहाँ दोनों मूर्ति रिखियन का भी और यह गढ़वा किला का भी मूर्ति दोनों विद्यमान है यहाँ पर। जो भी यहाँ पर बड़ी मूर्तियाँ जैसे इसमें सब में देखे नंबर पड़ा GF 32, ये गढ़वा फोर्ट यही की मूर्तियाँ हैं। अच्छा हाँ, सब में नंबर पड़ा हुआ है, जो रिखियन से आई हुई है उसमें। हाँ, वो देखिए आरसी लिखा है। जो भी ये मूर्तियाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्रह्मा के स्वरूप है जो है, हाँ, ये सब यही की मूर्तियाँ हैं। GF गढ़वा। अच्छा, जो GF ये आप जान लीजिए, यहाँ का जो शॉर्टकट नेम है GF नेम से जितनी भी मूर्तियाँ हैं ये गढ़वा फोर्ड की है और आरसी रिखियन की। और जो लिखा हुआ है और हाँ ये देखिए ये जो आर जी लिखा है ये रिखियन यहाँ से करीब आपको 35-40 किलोमीटर दूर पड़ेगा वहाँ की है, वहाँ मूर्तियाँ पाई गई थी, ये आप जान लीजिए। तो चलिए और देखते हैं, टूट भी गई है। और ये इधर देखिए, ये इधर का डिज़ाइन देखिए, ये जो मंदिर है राजा जी का जहाँ पर राजा जी पूजा किया करते थे, ये पीछे से आप मंदिर की डिज़ाइन देखिए। अब हो सकता है पहले और खूबसूरत लगता था लेकिन अब जो है फिर भी खूबसूरती बरकरार है, ये आप जान लीजिए। ये देखिए GF गढ़वा फोर्ड के जितने भी GF 24 GF 25 और ये जितनी भी GF 26 GF 27 GF 28 जितनी भी मूर्तियां हैं यहाँ पर, यहाँ की मूर्तियां थी। और जो आर करके है वो वहाँ की थी, रिखियन की थी। तो चलिए और जगह पर चलते हैं और दिखाते हैं आपको, जल्दी से दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर भी सैनिकों के लिए, ये सैनिकों के लिए था ना, चारों तरफ जो बनाया गया था ये सैनिकों के लिए। इस तरह का जितना भी आपको यहाँ पर पुराने पत्थरों से बना हुआ देख रहे हैं ये सैनिकों के लिए। क्या इसको गुरुज बोलते हैं? गुरुज जो मतलब सैनिक जहाँ रहते थे उसको गुरुज बोलते हैं ना। रखे हुए हैं, टुकड़े हुए हैं, ये क्या? ये सब यही मंदिर का है। मंदिर पे टुकड़ा, यही मंदिर जो टूट जाते थे तो यहाँ पर टुकड़े रख दिए। मंदिर में जो कुछ टूट जाता था, अगर मंदिर को कोई क्षति पहुँचाता था तो, अगर टूटता था तो वहाँ पर टूटा हुआ है। जब टूटा था औरंगजेब द्वारा बोल रहे हैं, जब टूटा हुआ था तभी ये सब यहाँ पे पड़ा था, ये तो बाद में थोड़ा सुधार हुआ था औरंगजेब ने। हाँ, औरंगजेब उस वक्त तो जानते ही हैं आप कितना ज़्यादा परेशान किया करता। तो दर्शकों ये देखिए कि आप ये जो आप देख सकते हैं ये जो रूम थे उस वक्त ना, कमरे हुआ करते थे ना, ये कमरे हुआ करते थे, लेकिन इन कमरों को शायद क्षति पहुंचाया गया औरंगजेब के द्वारा ना। ये सब जो खंडित पड़ा हुआ है सब तोड़ दिया गया है, ये पूरा 12 दरी यहाँ से वहाँ तक पूरा बना हुआ था, लेकिन सब खंडहर पड़ा हुआ है। देख सकते हैं कि कितना नुकसान पहुँचाया जाता था उस वक्त मुगल काल के जो राजा हुआ करते थे औरंगजेब, किस तरह से परेशान करते थे। और हमारा जो इतिहास था, जो हमारे हिंदू राजा जो बनवाए थे,
धरोहर थी उनकी, उनको किस तरह से नष्ट कर दिया, लेकिन फिर भी आज ये सही सलामत है, कम से कम बचा हुआ है, हमारी आने वाली पीढ़ियां इसको देख रही है। तो दर्शकों आप ये जान लीजिए, ये सूर्य मंदिर है, सूर्य भगवान की मंदिर है, वो जो अभी तक राजा जी जहाँ पूजा करते थे बताया था, वो विष्णु जी की मंदिर है। तो इस मंदिर के अंदर भगवान सूर्य की मूर्ति देख सकते हैं ना जी? हाँ, मूर्ति है, देखिए आप, और भी बहुत सारी मूर्तियां हैं। तो ये अच्छा, इस गेट को खोल नहीं सकते आप ना? देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो धरोहर है अपने, कितना अच्छे से संजो कर रखा गया है। क्षति तो बहुत पहुँचा है मुगल काल के राजाओं ने, लेकिन फिर भी आज ये सही सुरक्षित बचा हुआ है, जो हम आपको दिखा पा रहे हैं। और अच्छा ये बताइए, जो दीवाल है, ये दीवाल कितना मीटर ऊंचा हो, कितना फीट ऊंचा होगा? अबे 12-14 फीट से तो कम होगी ही नहीं दीवाले। हाँ, कम से कम 15 फीट, 16 फीट दीवाल होगा। और ये देखिए दीवाल के इधर, और ये क्या है ये बता सकते हैं आप? ये वही गुर्जी है, यहाँ भी सैनिक रहते थे, चारों तरफ गुर्जी बना हुआ। अच्छा, उसमें तो गेट इस तरह से नहीं दिखाई दिया था, ये मतलब चैन वाला नहीं, गेट इसमें लगा हुआ है क्योंकि ये पीछे है। अच्छा, उसमें गेट नहीं लगा हुआ, ये चैनल लगा हुआ इसमें गेट, ये हरदम बंद रहता है क्योंकि ये पीछे पड़ता है। ये जो चैन वाला गेट लगा हुआ है, ये पहले से ही बना था कि मतलब? नहीं, ये बांध का है, बांध बना है ताकि इसमें जो सामान रखा है सुरक्षित रहे। क्या कुछ है इसमें, क्या रखा है? इसमें कुछ नहीं है, तो देखिए दर्शकों, उसमें भी चैनल लगा है। वो जो दूर दिख रहा है आपको कुछ इसी तरह से, वो भी सैनिकों के लिए था, मतलब चारों तरफ से ये बनवाया गया था ताकि इस किले का देखभाली जो है सैनिकों की तरफ से किया जाए, अच्छे से किया जा सके। और चारों तरफ से ध्यान चप्पे चप्पे पर सैनिकों का रहता था उस वक्त, ये आप जान लीजिए दर्शकों। तो और कुछ है यहाँ पर? नहीं, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। आपको दिखा है कि यही पर देखिए इतिहास है, मतलब यहाँ का इतिहास यही है। यहाँ का जो इतिहास आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का है, यहाँ की जो दीवालें हैं, दीवाल की ही वजह से आज ये किला सुरक्षित बचा हुआ है, नहीं तो शायद जो आपको हम दिखा पा रहे हैं ना दिखा पाते। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं उधर से निकलते हुए लास्ट वीडियो का एंडिंग पार्ट, चलिए। देखा कि राजा विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया यह गढ़वा किला, गढ़वा दुर्ग की खासियत क्या थी उस वक्त और इस वक्त क्या खासियत है, और यहाँ की जो बावलियाँ हैं दो, एक राजा की एक रानी की, इस बावली में जो पानी है उसकी क्या खासियत है, और ये जो मंदिर देख रहे हैं भगवान विष्णु जी का मंदिर, यहीं पर यह मंदिर है, यहीं पर राजा जी पूजा किया करते थे, नहाने के बाद आते थे। ये जो जानकारी हम बताए हैं आपको, ये यहाँ के जो सिक्योरिटी है, यहाँ की जो देख रेख करते हैं, उनके माध्यम से हम बताए हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार आपसे और आपकी जानकारी लेना चाहें। क्या नाम था आपका? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार जी का धन्यवाद। और आपका? विजय कुमार कुशवाहा। विजय कुमार कुशवाहा जी का धन्यवाद, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आपको पूरी जानकारी हम दे पाए हैं, हम आपको जो जानकारी दे पाए हैं इन्हीं के माध्यम से दे पाए हैं। तो दर्शकों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम आपसे विदा लेना चाहेंगे इस वीडियो में।
कुछ नई जानकारियों के साथ मिलते हैं, कुछ नए किलों की जानकारियों के साथ मिलते हैं, कुछ नई इतिहास के साथ हम आपके साथ फिर से मिलेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप नए हो इस वीडियो में, इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको ये जो बनवाया गया है राजा विक्रमादित्य द्वारा गढ़वा किला अच्छा लग रहा है, क्या आप गर्व करते हैं कि आप हिंदुस्तानी हैं, और जो ये हिंदुस्तान की जो धरोहर है जो बनवाया गया था राजा विक्रमादित्य द्वारा, ये सुरक्षित है। भले ही उस वक्त औरंगजेब के द्वारा परेशान किया जा रहा था, जो मुग़ल काल के राजा थे उनके द्वारा क्षति पहुंचाई जा रही थी हमारी धरोहरों को, फिर भी आज बचा हुआ है। तो वीडियो में ज़रूर बताइएगा क्या आपको लगता है आज बचा हुआ है, तो क्या आप गर्व करते हैं अपने हिंदू राजाओं पर या नहीं, बताइएगा वीडियो में। तो फिलहाल बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।